तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, जिन स्टूडेंट ने इस साल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। हम सबको पता है, पिछले महीने ही इंजीनियरिंग की जो एडमिशन प्रोसेस डीटी के अंडर चल रही थी, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसमें राउंड कैप राउंड वन और कैप राउंड टू कंडक्ट हुआ। जिन बच्चों का अलॉटमेंट कैप राउंड वन में हुआ या कैप राउंड टू में हुआ, उन्होंने एडमिशन लिया। और महाराष्ट्र में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, आई थिंक इस हफ्ते से वो शुरू हो चुके हैं। मतलब वो घर से ही ऑनलाइन क्लासेस उनकी शुरू हो चुकी है। तो जैसे कि अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, कॉलेज स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन लेक्चर्स शुरू हो गए, अब जो मेन शुरू चीज होती है, मेन टॉपिक, वो है इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर का सिलेबस। इंजीनियरिंग में आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी होती है, इसीलिए जो समय जो फैक्टर है वो इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। चार साल में आपको काफी कम समय मिलता है और कम समय में आपको ज्यादा स्टडी करनी होती है। तो इसी के लिए आपको जो स्टडी करनी है वो उसका एक डायरेक्शन डिसाइड करना होगा। जैसे कि अगर आप अनडायरेक्शनली स्टडी करोगे, कौन से बुक्स पढ़ोगे, कौन से टॉपिक पढ़ोगे, उसकी अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, मालूमात नहीं होगी, तो कम समय में आप पूरी इंजीनियरिंग की सिलेबस यह सब्जेक्ट को कवर अप नहीं कर सकते। इसलिए जो इंजीनियरिंग का सिलेबस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस चीज में। यूनिवर्सिटीज, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में, जो फर्स्ट ईयर का उनका सिलेबस, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी हर साल, जैसे कि हो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो या फोर्थ ईयर हो, हर साल का सिलेबस डिक्लेयर करती है। और एग्जामिनेशन में जो पेपर पैटर्न होता है, जो पेपर सेट किया जाता है, अकॉर्डिंगली सिलेबस ही होता है। सिलेबस के बाहर का कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट एग्जामिनेशन में कभी इंक्लूड नहीं किया जाता। इसीलिए यूनिवर्सिटीज हर सेमेस्टर का और हर साल का सिलेबस डिक्लेयर करती है। तो वही इंपॉर्टेंट चीज है इंजीनियरिंग में, आपको कम समय में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छी स्टडीज करनी है, तो आपको सिलेबस वाइज स्टडी करनी पड़ेगी। आपको जानना है कि फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में, जैसे कि हर साल में दो सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन से सब्जेक्ट है, सेकंड सेमेस्टर में आपको कौन से सब्जेक्ट है, हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट में कितने यूनिट्स है, हर यूनिट में कौन कौन से टॉपिक कवर अप किए गए हैं, उस टॉपिक को ही आपको पढ़ना है, उस टॉपिक को ही कम समय में आपको कवर अप करना है, जैसे कि आपका प्रिपरेशन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ते बैठोगे, फॉरेन ऑथर पढ़ते बुक्स पढ़ते बैठोगे, तो आपको बहुत समय जाएगा। आपको वो भी पढ़ना है, रेफरेंस बुक भी पढ़ने, फॉरेन ऑथर भी पढ़ने, लेकिन वो सारी चीज़ें आप छुट्टियों में भी पढ़ सकते हैं। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपको सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाने हैं, फर्स्ट क्लास लाना है, डिस्टिंक्शन लाना है, अच्छे स्कोर करना है, तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना होगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ा जाता है? आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस में दिए हुए टॉपिक देखने हैं, उस टॉपिक के हर एक टॉपिक आपका, हर एक यूनिट का हर एक टॉपिक कवर अप हुआ है क्या नहीं, वो आपको चेक करना है, हर एक टॉपिक पढ़ना है, और कम समय में वो सारे टॉपिक कवर अप करके आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होना है। तो आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट में कितने यूनिट है, हर यूनिट में कौन कौन से टॉपिक यूनिवर्सिटी ने दिए, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक यूनिवर्सिटी ने इंक्लूड किया है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, इसीलिए आज ये हम वीडियो कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सुमित कंडीतोड़े फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल एसकेएन इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मेरे पास सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का
फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का सिलेबस है जो आप ये जो पीडीएफ देखोगे देख रहे हो वो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का सिलेबस है। ये पीडीएफ आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए, जैसे कि हमने बात किया, आज के वीडियो में हम जानने वाले फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है। तो ये जो पीडीएफ है ये यूनिवर्सिटी के साइट से मैंने डाउनलोड की है और इसमें जो दिया हुआ है वो जो यूनिवर्सिटी ने जो डिक्लेयर किया हुआ सिलेबस है वो सारा इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, मार्किंग स्कीम कैसी है, कितने मार्क्स के पेपर है, सारी चीज़ें इसमें उन्होंने बताई है। तो ये सब सिलेबस हम जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है। तो अगर फर्स्ट पेज में हम देखते हैं यहाँ, तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए, करिकुलम फॉर फर्स्ट ईयर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो मार्किंग सिस्टम है वो क्रेडिट सिस्टम में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। कोर्स है आपका 2019 का कोर्स है, मतलब जो सिलेबस है 2019 में रिवाइज हुआ है। तो और जो रिवाइज सिलेबस है वो वही आप अब पढ़ने वाले हो जब तक नेक्स्ट इसमें वापस सिलेबस रिवाइज नहीं होता। तो जो रिवाइज सिलेबस है उन्होंने बताया हुआ है विथ इफेक्ट फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2019 एंड 20, मतलब 2019 और 20 से इफेक्टिव ये इफेक्ट हो चुका है, मतलब ये एकेडमिक में पढ़ाया शुरू किया गया है। यूनिवर्सिटी ने ये सिलेबस 2019 और 20 ये में रिवाइज किया है और वो आगे कॉलेजेस में पढ़ाना शुरू किया है। तो देखते हैं ये टेबल नेक्स्ट पेज में ये दिया है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर फॉर सेमेस्टर वन। सेमेस्टर वन में एग्जैक्टली कैसे आपका स्ट्रक्चर होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, मार्क्स उसको कितने दिए गए, एक सब्जेक्ट को कौन कौन से कैसे मार्किंग स्कीम है, टीचिंग स्कीम कैसी है, कितने आवर्स में कौन से सब्जेक्ट कॉलेजेस में कवर किए जाएंगे और उसको कितने मार्क्स क्रेडिट्स दिए गए, वो सारी चीज़ें इस टेबल में बताई गई है। तो चलिए देखते हैं ये टेबल में एग्जैक्टली क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर देखते हम तो यहाँ फर्स्ट जो कॉलम है या कोर्स कोड दिया है, सेकंड कॉलम में कोर्स नेम दिया है, मतलब सब्जेक्ट जो आपके सब्जेक्ट है आपको उसके नाम दिए गए। टीचिंग स्कीम मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट को कितने आवर्स में कवरअप करना है, प्रैक्टिकल कौन से है, उसमें ट्यूटोरियल आपको लिख के सबमिट करने हैं कॉलेजेस में, यहाँ दिए है। और ये आगे जो है एग्जामिनेशन स्कीम एंड मार्क्स, उसको कैसे मार्क्स भी उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो मार्क्स दिए गए। जैसे कि आप में आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर में दो बार एग्ज़ाम होने वाली है, जो ये जो पहली है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन उसे कहा जाता है, उसको ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है ये। जैसे कि मैं आप उसको यहाँ उसको मार्क करके आपको दिखा रहा हूँ, ये ISE लिखा है, इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन, वो 30 मार्क्स की होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको 30 मार्क्स में इसमें भी पास होना है और उसके बाद इन सेमेस्टर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ESE वो जो होती है आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन होती है। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है 30 मार्क्स की और ये 70 मार्क्स की रिटर्न एग्जामिनेशन होती है। तो और उसको दोनों को मिला के फिर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो आपको दोनों एग्जामिनेशन में पास होना इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें से आप एक एग्जाम में पास होते और एक एग्जाम में फेल होते तो आपको दोनों एग्जामिनेशन वापस देनी पड़ती है। तो इसीलिए ये दोनों एग्जाम उतने इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट और एक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी है कि अगर आप दोनों एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हो तो ओवरऑल आपके परसेंटेज भी बढ़ते हैं, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अगर आउट ऑफ 30 आप 25 मार्क्स लेते हो और आउट ऑफ 70 आप 60 मार्क्स लेते हो, तो अगर 60+25 आपके फिर 85 हो जाते वैसे भी, तो ओवरऑल आपके परसेंटेज बढ़ जाते हैं इसके वजह से। और आगे ये चीज़ें TW मतलब टर्म वर्क मतलब जो इन सेमिस्टर जो होता है सेमेस्टर मैथमेटिक वो सब्जेक्ट का आपको टर्म वर्क दिया जाता है, प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करनी है और आपके जो टीचर्स हैं उनको सबमिट करनी है। आगे जो दिया है PR मतलब प्रैक्टिकल वर्क,
तो अगर अगर हम देखते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो उसको प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, आपको सिर्फ टर्म वर्क है 25 मार्क्स का। इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में 30 मार्क्स है, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में 70 मार्क्स है, टर्म वर्क में आपको 25 मार्क्स है, प्रैक्टिकल वर्क नहीं है उसके लिए, ओरल भी नहीं है, ओरल वर्क भी नहीं है, जो टोटल मार्क हो गए फिर उसको 125। तो आउट ऑफ 125 आप जितने ज़्यादा स्कोर करते हैं आपके ओवरऑल परसेंटेज में आपको उसका हेल्प होता है। तो क्रेडिट फिर दिया या क्रेडिट स्कीम बताइए 0.3 और ये टोटल 0.4, ये जो टोटल इसमें आपको उसका मार्किंग क्रेडिट दिया जाएगा, इसके अनुसार आपका आउट ऑफ 125 मार्क्स आपको जितने मिलते हैं उसके अनुसार आपका फिर यहाँ टोटल क्रेडिट डिसाइड किया जाएगा। तो अगला जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स या इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, मतलब इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में होगा और दूसरा सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में होगा। तो जैसे कि मैंने मेरी जानकारी में आया है कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आपको फर्स्ट सेमेस्टर में है और इंजीनियरिंग फिजिक्स आपको सेकेंड सेमेस्टर में है। तो ये दोनों सब्जेक्ट यहाँ उन्होंने जानकारी के लिए बताए हैं। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का जो जो सेकेंड सब्जेक्ट है ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, जो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने जो थ्योरी के लिए 4 आवर्स दिए वीकली, हर वीकली आपको 4 आवर कॉलेजेस में दिए गए, उसमें कॉलेजेस वालों को 4 आवर में वो थ्योरी सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट कवर करना है, प्रैक्टिकल 2 हो गए उसके आपके हर वीक में, और ट्यूटोरियल नहीं है उसको, ट्यूटोरियल नहीं है केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में उसको 30 मार्क्स है, एंड सेमेस्टर में उसको 70 मार्क्स है, उसका टर्म वर्क नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल वर्क है उसका, तो प्रैक्टिकल वर्क को 25 मार्क्स दिए गए हैं, तो उसके भी 125 टोटल मार्क्स हो गए और उसके अनुसार फिर उसका जो है क्रेडिट डिसाइड किया गया आगे। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है सिस्टम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो उसका रिलेटेड यहाँ जो दिया गया है, तो उसके भी वीकली आपके 3 आवर्स के थ्योरी सब्जेक्ट हो गए, प्रैक्टिकल 2 आवर्स होगा, इन सेमेस्टर के लिए आपको 30 मार्क्स है, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए आपको 70 मार्क्स है, प्रैक्टिकल के लिए आपको 25 मार्क्स है, तो टोटल 125 हो गए। तो अगला जो है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, तो इसमें भी सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसा एक सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में होगा और एक सब्जेक्ट आपको सेकेंड सेमेस्टर में होगा। जैसे कि इस सेमेस्टर में अगर इलेक्ट्रिकल होगा तो अगले सेमेस्टर में आपको इलेक्ट्रॉनिक होगा, अदरवाइज इस सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ तो अगले सेमेस्टर में आपको इलेक्ट्रिकल होगा, तो ऐसा वैसा ऐसा होता है। तो जैसे कि मेरी जानकारी में अगर मैंने कुछ स्टूडेंट को पूछा है, उनसे इंफॉर्मेशन लिए, तो इलेक्ट्रिकल जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, तो इसके भी वीकली आपके 3 लेक्चर हो गए, प्रैक्टिकल 2 हो गए, इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपको 30 मार्क्स है, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपको 70 मार्क्स है, प्रैक्टिकल वर्क आपको 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल वर्क है, टोटल 125 हो गए इसके। आगे जो है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो एक सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसमें भी सेम ये दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में और दूसरा सेकेंड सेमेस्टर में। तो जैसे कि प्रोग्रामिंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो पाइथन के रिलेटेड प्रोग्रामिंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो आपको थ्योरी सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में है, तो उसके भी आपको वीकली 3 लेक्चर्स हो गए, 2 प्रैक्टिकल हो गए, इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपकी 30 मार्क्स की होगी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, कॉलेजेस में कंडक्ट की जाती है, अगर उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो ओवरऑल आपकी परसेंटेज भी बढ़ती है, और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो आपकी रिटन एग्जाम होती है वो 70 मार्क्स की है, प्रैक्टिकल वर्क आपको 25 मार्क्स का है, टोटल 125 आपके इसके भी हो जाते हैं। तो अभी तक हमको पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी ने क्या डिसाइड किया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने वाली है या ऑफलाइन एग्जामिनेशन लेने है। ये जो हम बात करने कर रहे हैं ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन जो हर साल रेगुलर कंडक्ट की जाती है, तो उसका सिलेबस कैसा है उसके अकॉर्डिंगली आज अब हम जो देख रहे हैं।
तो आगे जो नेक्स्ट पेज लेते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या दिया है? इंस्ट्रक्शन दिया है कुछ, PRR ट्यूटोरियल मस्ट बी कंडक्टेड इन 3 बैचेस पर डिवीजन। ये मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए नहीं है, कॉलेजेस के लिए। कॉलेजेस ने कैसे ट्यूटोरियल कंडक्ट करने हैं, मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड एक्सपेरिमेंट असाइनमेंट इन PR ट्यूटोरियल शैल बी कैरिड आउट एज मेंशन इन द सिलेबस ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, जो भी है ये कॉलेजेस के लिए। अब कुछ स्टूडेंट के लिए भी इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी गए कि कैसे उस सारी चीज़ों को कैसे किया जाता है। जैसे कि एवरी स्टूडेंट शुड अपेयर फॉर इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग मैकेनिक, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, प्रोग्राम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्यूरिंग दिस ईयर। तो ये कुछ सिलेबस के रिलेटेड नहीं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है। ये आप खुद भी पढ़ के उसका इंफॉर्मेशन, उसकी जानकारी ले सकते हैं। हम आगे सिलेबस देखेंगे एक्चुअली सिलेबस में क्या क्या हमें दिया गया है। गाइडलाइंस फॉर इंडक्शन प्रोग्राम, अगर आपका कॉलेजेस में इंडक्शन होगा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का, तो उसके क्या क्या गाइडलाइंस है, आपको क्या क्या बताना चाहिए, वो तो रिस्पेक्टिव कॉलेजेस वो सारी चीज़ें उनके लिए है। तो उनके रिलेटेड भी कुछ गाइडलाइंस दिए है, तो वो भी है, आप उसका भी पढ़ के उसका इंफॉर्मेशन ले सकते होते। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग 2019 कोर्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस। तो इसमें ये जो मैथमेटिक्स वर्स जो 1 है उसका सिलेबस है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो इन्होंने दिया है या इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन 30 मार्क्स की होने वाली है, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 70 मार्क्स की होने वाली है, जो थ्योरी पेपर होता है, और टर्म वर्क 25 मार्क्स का होने वाला है। तो इसको क्रेडिट भी स्कोर भी दिया हुआ है उन्होंने। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले, इसमें टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टॉपिक के अकॉर्डिंग ही पेपर सेट किया जाता है। अगर वो टॉपिक अनुसार आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली एंड एग्जामिनेशन में, रिटर्न एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प होगी आपकी, और टॉपिक के अनुसार ही जो आपको प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे वो आप अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हो। तो कोर्स ऑब्जेक्टिव उन्होंने प्री रिक्वेस्ट दिया है, डिफ्रेंशिएशन बोला है, इंटीग्रेशन बोला है, मैक्सिमम मिनिमम डिटर्मिनेंट बोला है, मैट्रिसेस बोला है, ये सारी चीज़ें में भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में कवर अप हो जाएगी। तो कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक द स्टूडेंट फैमिलराइज विद द कंसेप्ट एंड द टेक्निक इन कैलकुलस, फोर ईयर सीरीज मैट्रिसेस, द एम इज टू इक्विप देम विद द टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड एंड Understand advanced level mathematics and its application that would enhance the analytical thinking power useful in their disciplines। ये सारी मतलब ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस सेट किया है, इस ऑब्जेक्टिव को सामने रख के उन्होंने सिलेबस सेट किया है। तो उसके बाद जो उसका आउटकम्स क्या है ऑब्जेक्ट्स के, वो सारी चीज़ें भी उन्होंने यहाँ दी है। स्टूडेंट विल बी लर्न एबल टू लर्न, ये सारी इसके वजह से स्टूडेंट ये सारी चीज़ें सीखेंगे, इसलिए उन्होंने दिया है। जैसे कि मैं एक आउटकम पढ़ता हूँ उसका, तो मीन वैल्यू थ्योरम्स एंड इट्स जनरलाइजेशन लीडिंग टू टेलर्स एंड मैक्यूलरन सीरीज यूजफुल इन द एनालिसिस ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, ये उसका आउटकम दिया है। द फोर ईयर सीरीज रिप्रेजेंटेशन एंड हारमोनियन एनालिसिस फॉर डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ पीरियडिक कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट सिस्टम, तो एक दूसरा आउटकम दिया है। तो ये ठीक है, आप भी पढ़ सकते हैं क्या क्या आउटकम में, हमको तो मेन सिलेबस जानना है। तो ये आ गया हमारा सिलेबस आ गया है। तो कोर्स कंटेंट यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 मतलब पहला चैप्टर, जैसे कि हम 11 12th में या 1 टू 12th में हमेशा कहते हैं पहला लेसन पहला चैप्टर, वैसे ही है इसमें यूनिट, पहला यूनिट आपका क्या है, डिफरेंशिएशन कैलकुलस। डिफरेंशिएशन कैलकुलस ये आपका पहला यूनिट होने वाला है, दूसरा यूनिट आपका फोर ईयर सीरीज होने वाला है, तीसरा है पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, फोर्थ नंबर का है, फिफ्थ नंबर का है लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके बाद सिक्स है लीनियर अलजेब्रा, एजिन वैल्यूज एंड एजिन वेक्टर्स एंड डायग्नोनाइजेशन, ये जो है ये एक सब्जेक्ट है। तो इसमें आप देखेंगे क्या क्या कवरअप किया है, हम लोग जानेंगे डिफरेंशिएशन कैलकुलस में क्या क्या दिया है। तो ये आप पढ़ सकते हैं ये इस यूनिट में, डिफरेंशिएशन कैलकुलस में कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन कौन सी ये सारी चीज़ें कवरअप करनी है, एक्सपांशन ऑफ फंक्शन यूजिंग द स्टैंडर्ड एक्सपांशन,
इनडिटरमिन फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल्स, इवेल्युएशन ऑफ द लिमिट्स एंड एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट यूनिट में कवर अप करनी है। और ये फर्स्ट यूनिट के अनुसार ये जो अगर आप ये टॉपिक वाइज पढ़ोगे, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, डेफिनेटली यही चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में पूछने वाली है। इसके अलावा आपको एग्जामिनेशन में बाहर का आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें सारी समझो, ये थ्योरम को समझो, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो डेफिनेटली आप मैथ्स में M1 में अच्छा स्कोर करोगे। जैसे कि फोर ईयर सीरीज में, ये जो जो फुल रेंज फोर ईयर सीरीज, हाफ रेंज फोर ईयर सीरीज, हार्मोनिक एनालिसिस, ये सारी चीज़ें इसके रिलेटेड ही आपको यूनिट टू, यूनिट जो सेकंड यूनिट है उसमें आपके क्वेश्चन है, और उसके उसको क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है। पार्शियल डिफरेंसेस में आपको वही दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, पार्शियल डेरिवेटिव्स, वो सारी चीज़ें आपको इसमें दी गई होगी। एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स में आपको एरर, अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद मैट्रिसेस आया, रैंक ऑफ रैंक मैट्रिसेस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, लीनियर एंड ऑर्थोगोनल ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको सिक्स यूनिट में कवर अप होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हम मैथ्स M1 में देखेंगे। तो M2 में ये जो है नेक्स्ट, तब तक ये जो अभी ओपन हुआ है सिस्टम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें क्या क्या दिया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके आउटकम क्या है, एक दो ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड देयर कंजर्वेशन, तो उसके अनुसार ही उन्होंने जो सिलेबस में ऐड किया है टॉपिक, तो देखते हैं टॉपिक क्या क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी सोर्सेस एंड इट्स कन्वर्जन, तो एनर्जी सोर्सेस क्या होता है, उसका कन्वर्जन कैसे किया जाता है, ये फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ोगे। तो उसमें क्या है, थर्मल एनर्जी क्या है, हाइड्रो पावर एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी क्या है, जियोथर्मल एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी क्या है, हाइड्रोजन एनर्जी क्या है, बायोमास एनर्जी क्या होती है, टाइडल एनर्जी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हर एक टॉपिक को आपको पढ़ना है, उसको अच्छी तरह समझना है, और वही इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको फर्स्ट यूनिट के एग्जामिनेशन में अगर होगा तो उसके रिलेटेड ही आपको ऑप्शन में आपको जो इन सेमेस्टर एग्जाम है 30 मार्क्स की, उसमें भी इसके रिलेटेड ही पूछेंगे। एंड सेमेस्टर 70 मार्क्स है, उसके में इस रिलेटेड ही पूछेंगे। उसके बाद एनर्जी कन्वर्जेशन डिवाइस, कौन कौन से डिवाइस से एनर्जी कन्वर्ज हो जाती है, इंट्रोडक्शन ऑफ द पंप, कंप्रेसर, टर्बाइन, इस सारी चीज़ों से एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इस सारी चीज़ों से कन्वर्ट किया जाता है। विंड मिल, ETC, सिंपल न्यूमेरिकल ऑन पावर्स एंड एफिशिएंसी कैलकुलेशन, ये फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट में इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग क्या है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, सिंपल न्यूमेरिकल, उसके जो न्यूमेरिकल है उसके रिलेटेड भी चीज़ें उसमें दिया है सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में दिया है आपको व्हीकल एंड देयर स्पेसिफिकेशन, कौन कौन से व्हीकल है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, व्हीकल का स्पेसिफिकेशन, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल, ट्रक, बसेस, मल्टी एक्सल व्हीकल, ये सारी मतलब जनरल नॉलेजेस भी आपको इस आज के बच्चों, मुझे तो लगता है कि ये मैक्सिमम जनरल नॉलेज रिलेटेड ही है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ये सारी चीज़ें आज के बच्चों को तो ये सारी चीज़ें टीवी में, इसमें इंटरनेट सब कुछ पता है ऑलरेडी, बहुत सारा नॉलेज उनके पास ऑलरेडी है, क्योंकि अब देखा जाए तो टू व्हीलर, फोर व्हीलर बहुत सारे बच्चे यूज़ भी करते हैं, चलाते भी, उनके पास अपना खुद का लाइसेंस भी होता है फोर व्हीलर का, तो ये समझना इतना मुश्किल मुझे नहीं लगता। जैसे कि याद देखिए, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन, पेट्रोल, डीजल, CNG इंजन, स्टीम जनरेटर, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। तो इसको समझना, अगर आप अच्छी तरह समझोगे डेफिनेटली उसको अच्छी तरह समझने के बाद उसको आप एग्जाम में भी अच्छी तरह लिख पाओगे। व्हीकल सिस्टम जो यूनिट फोर दिया है, व्हीकल सिस्टम कौन कौन से होते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ चासिस, लेआउट, स्टीयरिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, फ्यूल इंजन सिस्टम, फ्यूल सप्लाई सिस्टम, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल हाइब्रिड व्हीकल, स्टडी ऑफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, क्लच, गियरबॉक्स, प्रोपेल शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, ये सारी चीज़ें आप यूनिट फोर में देखोगे। अगला जो है उसके रिलेटेड जो है यूनिट फिफ्थ, इंट्रोडक्शन टू द मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का इंट्रोडक्शन कुछ दिया है, कनू
कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे कैसे होती है, क्या क्या किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। अगर आप जाके वर्कशॉप में देखोगे कैसे कैसे किया जाता है, जैसे कास्टिंग है, फोर्जिंग है, मेटल फॉर्मिंग है, ड्राइंग है, एक्सट्रंक्शन है, स्टील मेटल वर्किंग है, मेटल ज्वाइनिंग है, मेटल को कट किया जाता है, मेटल कटिंग प्रोसेस है, कौन कौन से मशीन से मेटल को कट किया जाता है, मशीन ऑपरेशन, टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आप यूनिट 5 में पढ़ोगे। माइक्रो मशीनिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, रिकॉन्फिग्रेशन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, जो अभी नया कॉन्सेप्ट आया है IoT, उसमें वो सारे बच्चों को पता भी होगा। बेसिक CNC प्रोग्रामिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन उसका क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप यूनिट 5 में पढ़ोगे। यूनिट 6 में देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड देयर एप्लीकेशन इन डोमेस्टिक अप्लायंस। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आपके एप्लीकेशन क्या है डोमेस्टिक अप्लायंस में, कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ किए जाते हैं उसके, तो सारी चीज़ें जैसे पंप है, ब्लोअर है, कंप्रेसर है, स्प्रिंग्स है, बेल्ट पुली है, चेन सॉकेट है, वॉल्व से, लेयर से, सारी चीज़ें, ये सारी एप्लीकेशन में जैसे कि कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, स्प्लिट AC यूनिट, ये सारी एप्लीकेशन हम जनरल लाइफ में ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन मतलब जनरल अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ये सारे मैकेनिक्स से हम कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं और उसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं, कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो दिया है वाटर कूलर, रेफ्रिजरेटर, AC यूनिट, पंप, वाटर पंप, फैन, एग्जॉस्ट फैन, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें को आप यूनिट 6 में पढ़ोगे। उसके लिए रेफरेंस बुक भी दिया है, बुक्स और अदर सोर्स भी है, टेक्स्ट बुक भी दिए है उन्होंने, उस टेक्स्ट बुक्स को भी आप देख सकते हो। लेकिन मैं आपको हमेशा एडवाइस करूँगा कि आप लोकल ऑथर पढ़े, या अगर कॉलेज में आपको कोई नोट्स देते हैं तो वो नोट्स ही पढ़े, रेफरेंस बुक या फॉरन ऑथर अभी पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी ऐसा होगा कि आपके पास टाइम कम है, आपको सिलेबस जो भी है वो कवर अप करना है, ये सारे टॉपिक को पढ़ के निकालना है। अगर आप लोकल ऑथर पढ़ोगे तो डेफिनेटली लोकल ऑथर में इसके सिवा अलग कुछ बाहर का कुछ इंक्लूड नहीं किया जाता है, जो सिलेबस है उसके अनुसार ही लोकल ऑथर बनाए जाते हैं लोकल ऑथर। तो रेफरेंस बुक या फॉरन ऑथर को आप थोड़ा अवॉइड करिए, पहले लोकल ऑथर से पढ़िए, लैंग्वेज भी सिंपल होती है, अंडरस्टैंड के लिए भी आसान होती है। जैसे कि नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है अगले वाला, हाँ इसमें क्या है, गाइडेंस फॉर स्टूडेंट लैब। जैसे कि हमने देखा था अभी टर्म वर्क क्या है, टर्म वर्क में कैसे कौन से आपको लैब में प्रैक्टिकल में कौन कौन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, टर्म वर्क में आपको क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई। स्टूडेंट शैल कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एज अ टर्म वर्क, वो भी आपको दिया हुआ है। इंडस्ट्री वर्कशॉप क्या है, असाइनमेंट आपको कौन 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 से टॉपिक पे लिखने हैं, वो सारी चीज़ें इसमें उन्होंने दी हुई है। तो जो नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अभी ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से टॉपिक कवर अप होने वाले हैं देखेंगे हम, कितने यूनिट है, क्या है इसका एक ऑब्जेक्टिव, क्या है, टू इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, वेरियस लॉ प्रिंसिपल एंड थियरम एसोसिएट विद द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है उनका। तो उसमें क्या है, पहला यूनिट आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, जैसे कि आपने 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, तो इसमें और एक आपको थोड़ा और डिटेल और अच्छी तरह बताया गया है। फर्स्ट जो आपका लेस यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रिव्यू रेजिस्टेंस, EMF, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट क्या है, क्रॉस डॉट कन्वर्सेशन, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, सॉलेनाइड कंडक्टर, ट्रॉड, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखोगे। कंसेप्ट ऑफ MMF, फ्लक्स डेंसिटी, ये सारी चीज़ें यूनिट 1 में देखोगे। यूनिट 2 है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड AC फंडामेंटल, AC करंट, DC करंट जो ऐसे इलेक्ट्रिकल में होता है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड AC फंडामेंटल है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखोगे। AC फंडामेंटल
में देखो कि आप एसी करंट के रिलेटेड साइनसॉइडल वोल्टेज करंट देयर मैथमेटिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंसर्ट ऑफ साइकिल पीरियड फ्रीक्वेंसी ये सारी चीज़ें आप इसमें देखोगे एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू पीक फैक्टर फॉर्म फैक्टर क्या सारी चीज़ें आप इसमें देखोगे। थर्ड यूनिट है आपका एसी सिंगल फेज एसी सर्किट। तो सिंगल फेज जो थ्री फेज और सिंगल फेज जो इलेक्ट्रिकल में जो कंसेप्ट है करंट का उसमें आप सिंगल फेज देखोगे एसी सर्किट कैसा है थर्ड यूनिट में। स्टडी ऑफ एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ प्योर रेजिस्टेंस प्योर इंडक्टेंस एंड प्योर कैपेसिटेंस वो सारी चीज़ें इसमें दी है। यूनिट फोर में दिया है पॉलीफेज एसी सर्किट एंड सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होती है वो सारी चीज़ें इसमें यूनिट फोर में दिया हुआ है। यूनिट फिफ्थ में दिया है डीसी सर्किट कैसे होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनर्जी सोर्सेज आइडियल प्रैक्टिकल वोल्टेज वो सारी चीज़ें इसमें हमको यूनिट फिफ्थ में दिया हुआ है। और यूनिट सिक्स में दिया है सिक्स यूनिट है जैसे कि वर्क पावर एनर्जी एंड बैटरीज। तो वर्क पावर एनर्जी क्या होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस क्या होता है रेजिस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है कोएफिशिएंट इंसुलेटर रेजिस्टेंस कैसा होता है और बैटरीज डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज कौन सी होती है लीड एसिड लिथियम आयन कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल वो सारी चीज़ें इसमें आपको दिए। छः यूनिट है इस इलेक्ट्रिकल के भी छः यूनिट है पढ़ना इतना डिफिकल्ट नहीं है सिलेबस भी ज़्यादा नहीं है अगर अच्छे पॉइंट टॉपिक वाइज पढ़ोगे डेफिनेटली कम समय में ये सारा सिलेबस आप कवर अप करने डेफिनेटली पॉसिबल होगा आपको। टॉपिक वाइज पढ़ो यूनिट भी ज़्यादा नहीं है छः यूनिट मतलब आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ी कुछ दस दस लेक्चर्स या दस दस आपको आपके पास चैप्टर्स है और आपको पढ़ने हैं छः चैप्टर से अगर आप उसको पॉइंट वाइज पढ़ोगे टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप जल्द से जल्द उसका सिलेबस कवर अप करने की कोशिश कर सकते हो। तो अगला जो टॉपिक है देखेंगे अगला जो आपका हमारा जो है उसके बाद इसके रिलेटेड जो भी जैसे कि हमने देखा लैब प्रैक्टिकल वर्क क्या है टर्म वर्क क्या है असाइनमेंट कौन कौन सी ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। हम लोग अभी सिलेबस देखने वाले ये सारी चीज़ें आप खुद भी पीडीएफ पढ़ के कर सकते हो। अगला जो हमारा है हाँ प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे हमने बोला था कि प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अपना हमारा जो थ्योरी सब्जेक्ट है इसमें हम आई थिंक पाइथन के रिलेटेड सारी प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले उसको बेसिक से पढ़ने वाले और उसका कैसे भी पाइथन नई फीचर्स है नया ये तो कैसे कैसे भी इंडस्ट्री में कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ किया जा रहा है तो इसलिए पाइथन लैंग्वेज को फर्स्ट ईयर में ही फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी ने इंक्लूड किया हुआ है। तो प्रोग्रामिंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग लैब में आपको दिया गया है उसका ऑब्जेक्टिव दिया है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू गिव द स्टूडेंट बेसिक इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विद द कंप्यूटर लैंग्वेज पाइथन एंड टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट नॉट मियरली टू द कोडिंग ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम बट द कंप्यूटेशनल थिंकिंग मेथोडोलॉजी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड द प्रिंसिपल ऑफ गुड प्रोग्रामर डिजाइन इंक्लूडिंग द मॉड्यूलरिटी एंड इंस्कैप्सुलेशन ये सारी चीज़ें मतलब इसका ऑब्जेक्टिव उन्होंने रखा है ये सारी चीज़ों का तो जैसे कि आउटकम भी आप देख सकते हो। तो इसका यूनिट वन है इसमें भी आई थिंक सब सारी सब्जेक्ट में छः छः यूनिट ही दिए हुए छः छः यूनिट है तो छः यूनिट है। तो पहला यूनिट है इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्रामिंग एंड पाइथन प्रोग्रामिंग द जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट कौन कौन से होते हैं वो देखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग एवरीडे लाइफ टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विद द कंप्यूटर डिफिकल्टी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपेक्ट टॉप डाउन डिज़ाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटर्जीज कौन कौन थी वो सारी चीज़ें की है प्रॉब्लम डिजाइनिंग टूल कौन कौन से थे अल्गोरिदम फ्लो चैट शुडो कोड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अल्गोरिदम वो सारी चीज़ें बताई है बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग और बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग वो यूनिट वन में उन्होंने इंक्लूड किया जैसे कि फीचर ऑफ पाइथन हिस्ट्री एंड द फीचर ऑफ पाइथन राइटिंग एग्जीक्यूशन पाइथन प्रोग्रामिंग लिटरेचर कंसेप्ट वेरिएबल आइडेंटिफायर डेटा टाइप्स इनपुट ऑपरेशन कमेंट्स ये सारी चीज़ें उन्होंने यूनिट वन में इंक्लूड किया है। यूनिट टू में डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में कैसे कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है सिलेक्शन कंडीशन क्या होती है ब्रांचिंग कैसी होती है इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे रहता है नेस्टेड इफ कैसे लिखा जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट इफ एल्स में इफ एल्स वापस नेट कैसे किया जाता है बेसिक लूप कैसे किया जाता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है
ये सारी चीजें, वाइल्ड लूप कैसे यूज किया जाता है, फॉर लूप कैसे यूज किया जाता है, सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट लूप, नेस्टेड लूप, ब्रेक फंक्शन कैसे यूज किया जाता है, कंटिन्यूस फंक्शन, पास एल, ये सारी स्टेटमेंट, ये सारी चीजें यूनिट टू में कवर होगी। अभी देखते हैं यूनिट थ्री। यूनिट थ्री में क्या है? यूनिट थ्री में है फंक्शन एंड मॉड्यूल्स। तो नीड ऑफ फंक्शन, फंक्शन की जरूरत क्यों है, ये सारी चीज़, और फंक्शन क्या क्या होता है, डेफिनेशन है, कॉल वेरिएबल, स्कोप, लाइफ टाइम, रिटर्न स्टेटमेंट, सारी चीजें बताइए। फोर्थ में, थ्री में, फोर्थ में बताया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग एंड स्कोप ऑपरेशन, वो सारी चीजें यूनिट फोर्थ में बताई। यूनिट फिफ्थ में बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग ये सारी चीजें उन्होंने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, मेथड्स, मैसेज पासिंग, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें उन्होंने यूनिट फाइव में बताई है। उसके बाद यूनिट सिक्स में फाइल हैंडलिंग एंड डिक्शनरी, जैसे कौन कौन से फाइल होते हैं, उसका पाथ कैसे दिया जाता है, डिक्शनरीज कैसे होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल पाथ, टाइप ऑफ फाइल्स, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ फाइल, रीडिंग राइटिंग ऑफ फाइल, डिक्शनरी मेथड, ये सारी चीजें यूनिट सिक्स में दिए। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि देखिए उसमें भी सिक्स ही यूनिट है, तो सिक्स यूनिट आई डोंट थिंक पढ़ना और उसको कवर अप करना उसको इतना टाइम लग सकता है। डेफिनेटली अगर आप पॉइंट वाइज सिलेबस वाइज जाओगे तो जल्दी से जल्दी ये सारा सिलेबस आप कवर अप करोगे। टेक्स्ट बुक भी दिया है कौन कौन सा है, रेफरेंस बुक भी बताया गया है कैसे करना है क्या है, और आगे लैब बताया, लैब में जैसे कि जनरल आपको कैसा प्रैक्टिकल वर्क में क्या करना है, टर्म वर्क में क्या करना है, अगले इसमें दिया हुआ है, ये भी आप पढ़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे अगला जो क्या है हमारा, ये वही है, ये आप खुद देख सकते हो अगला सब्जेक्ट कौन सा है। अगला सब्जेक्ट हमारा वर्कशॉप प्रैक्टिस, इसमें टर्म वर्क करके वर्कशॉप भी होता है। वर्कशॉप में वो तो आपको, ये क्या थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, आपका टर्म वर्क है 25 मार्क्स का, कुछ आपको वर्कशॉप में आपके जाके उन्होंने आपको बताते कि कैसे कैसे कोई ये बनाना है, जैसे कि कोई एक आध ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हमारे वक्त जैसे था मैकेनिकल का वर्कशॉप था, उसमें जाके सीएनसी मशीन थी, लेंथ मशीन थी, और एक ऑब्जेक्ट दिया था उसको कट कैसे किया जाता है, ड्रिल कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें, उसको लेंथ मशीन से ये कैसे किया जाता है, फिनिशिंग कैसे, सारी चीज़ें हमको बताई थी और हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बोला था वर्कशॉप में, जो जैसे मैकेनिकल मशीन थी उसमें। तो आई थिंक लैब में ये इस बार भी वही होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये वर्कशॉप प्रैक्टिस होती है 25 मार्क्स का, टर्म वर्क है, इसमें कुछ ये नहीं है। और इसमें अगर आप अच्छा करते हो, अच्छा टर्म वर्क लिखते हो, प्रैक्टिकल भी अच्छा करते हो, तो डेफिनेटली इसको आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसमें केमिस्ट्री देखना बाकी है, तो केमिस्ट्री एक ही सब्जेक्ट है, हाँ आ गया, खुल गया केमिस्ट्री का, उसका हम सिलेबस देखेंगे। तो इससे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस मैक्सिमम हमने पढ़ लिए, कवर अप किया है। जैसे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, देखिए इसमें इसका आप पढ़ सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका आउटकम्स भी पढ़ सकते हैं, कोर्स कंटेंट क्या है हम वो देखेंगे। वाटर टेक्नोलॉजी क्या होती है, यूनिट जैसे इसके भी 6 यूनिट हो गए, फर्स्ट यूनिट में दिया है वाटर टेक्नोलॉजी क्या है, इम्प्योरिटीज इन वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर टाइप्स, यूनिट्स, न्यूमेरिकल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डमेंट्स, ये सारी चीज़ें यूनिट वन में दिए। उस यूनिट टू में दिए इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, इंडक्टर इलेक्ट्रोड क्या होता है, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें इन्होंने दिया हुआ है यूनिट टू। यूनिट थर्ड में क्या है देखते हैं। यूनिट तीन है हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल्स कैसे होते, स्पेशलिटी पॉलीमर्स, इंट्रोडक्शन प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर्स, कौन कौन से पॉलीमर्स होते हैं, इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक, पॉलीकार्बोनेट होता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, पॉली हाइड्रोएक्साबरेट, ये कुछ है थोड़ा डिफिकल्ट है, हाइड्रोएक्सावॉलनेट, ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन है उसका, कंडक्टिंग पॉलीमर, पॉली एसिटिलीन, ये सारी पॉलीमर कौन कौन से टाइप से उसके रिलेटेड सारी चीज़ें उन्होंने दी है, पॉलीमर कंपोजिट, वो सारी चीज़ें आप पढ़ोगे यूनिट थ्री में। यूनिट फोर में आपको फ्यूल्स दिया है, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल, कौन कौन से
वो सारी चीज़ें बताइए। उसके बाद इसमें आप देखिए आगे भी दिया है, लिक्विड फ्यू फ्यूल में क्या है, पेट्रोलियम बताया है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल कंपोजिशन, बॉइलिंग रेंज, यूजेस ऑफ वेरियस फ्रैक्शन, गैसोलीन फ्यूल में कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड उसका एप्लीकेशन, जैसे सीएनजी है अभी, हाइड्रोजन गैस है, फ्यूचर फ्यूल कौन कौन से, अल्टरनेटिव फ्यूल क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स कौन कौन सी थी, विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है, इंट्रोडक्शन, इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर, स्टेटमेंट, एयर लॉस, ये सारी उसमें दिया गया है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ये यूनिट 5 में ए और बी दो सेक्शन बना है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। और लास्ट यूनिट है केमिस्ट्री का आपका, कोरोजन साइंस क्या होता है, टाइप इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ कोरोजन, ड्राई और वेट कोरोजन, मैकेनिज्म ऑफ डाई कोरोजन, नेचर ऑफ ऑक्सीडाइज फिल्म, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखोगे। तो ये होगा हमारा केमिस्ट्री। तो जैसे कि हमने देखा था, हमने बात की थी कि सारे 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम हमने कवर अप किए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। तो ये तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक, ये सारी चीज़ें हमारी फर्स्ट सेमेस्टर के इसमें आप कवर अप किए जाएंगे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में। मैं चाहता हूँ कि अभी से किस सेमेस्टर की ज़रूरत नहीं है देखने के लिए, वो हम जब हमारा सेकेंड सेमेस्टर का शुरू होगा, तो जैसे कॉलेजेस शुरू हो गए तब हम सेकेंड सेमेस्टर का जानेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक्स है, कैसे है। और अगर इस वीडियो में होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने जो इंफॉर्मेशन शेयर की है डेफिनेटली उसका थोड़ा तो भी उसका आपको फ़ायदा होगा, और आप इसके बारे में और भी मेरे पास जो नॉलेज है उसको और भी आप अगर आपको कुछ डाउट है और आप भी जानकारी जानना चाहते हो और आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं चाहूँगा डेफिनेटली आप मुझे इस मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और कौन सी जानकारी चाहिए डेफिनेटली, और कोई टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर दीजिए डेफिनेटली, मैं उसको उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आई थिंक ये था आज का वीडियो, होप करता हूँ कि डेफिनेटली आपको उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ, मैं सुमित खंडीजोड़े, फिर से मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।